नमस्कार, मैं सत्यन मिश्रा और हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़ में आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीएमजेकेवाई प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के मीराज सिंह राजपूत जी से आपको मिलवाते हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और फिलहाल जो कोरोना की महामारी चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने सैनिकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जूझ रही है, लोगों की मदद में है, और जो सबसे बड़ी जवाबदारी है अभी फिलहाल जो इनकी संस्था है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत गरीबों तक अपनी बात को पहुंचाना, उन्हें मदद मुहैया करवाना, जिसके लिए संस्था पूरी बनी है, जो ये टीम काम कर रही है, ऐसे अध्यक्ष से हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार जी, हिंदुस्तान की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि विराट भाई, आप जिस संस्था से जुड़े हैं, संस्था कहूंगा या मैं जो भाजपा का जो एक जिसे कहते हैं कि जिससे आप जुड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये संगठन है, तो आपकी अभी फिलहाल क्या जवाबदारी है और आप क्या कर रहे हैं, जनता को किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नरेंद्र मोदी साहब की जन्मतिथि पर उन्होंने ये अभियान लॉन्च किया था भारत भर में, ताकि प्रधानमंत्री जी सीधा जनता तक पहुंच पाए। उनके खुद के स्वयं सेवक है, जो उनके भक्त है, जो उनके विश्वासु लोग है, वो इस आयोग में रहकर भारत की जनता को सहायता कर पाए। क्योंकि क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी सहायता कर रही है देश में, संघ सहायता कर रहा है, अन्य पार्टियां सहायता कर रही है, परंतु प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं डिसिप्लिन लेके लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। अब हर घर तो वो पहुंच नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने मुख्य प्रबंधक एक सेवकीय यूनियन खड़ा किया है, जो लोगों तक पहुंचे उनकी सहायता कर पाए। अब गुजरात का अध्यक्ष होने के नाते गुजरात में हमने 45 सेंटर खड़े किए हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भावनगर, मेहसाणा जैसी तमाम जगहों पे, गाँव में, शहर, जिला, तालुका में हमारी ऑफिस है। वहाँ पे अनाज के किट दिए जा रहे हैं लोगों को, किराना दिया जा रहा है, मेडिकल किट्स दी जा रही है ताकि वो सुरक्षित रहे और उनका परिवार सुरक्षित रहे। उसके अलावा रोज का भोजन जा रहा है काठी मजदूरों को, जिनके पास रहने की सुविधा है परंतु भोजन की सुविधा नहीं है, तो उन लोगों को हमारी तरफ से जी। विराट भाई, अभी जैसे कि ये जो पीएमजेकेवाई जो एक संगठन या सेल कहेंगे, जो भी प्रधानमंत्री का सबसे बहुत ही मजबूत सेल माना जाएगा, क्योंकि आपका काम यह है कि प्रधानमंत्री की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें ग्राउंड जमीन पर पहुंचाना। तो आपकी अभी प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी योजना चल रही है कोरोना को लेकर, जो अभी लोगों की मदद आ सके? कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री जी अनाज सहायता दे रहे लोगों को, सस्ते अनाज की दुकानों पे आप लोग देख रहे होंगे कि आज लोगों को सस्ता अनाज मिल रहा है, चाहे वो रेशन कार्ड धारक है चाहे नहीं है, तो भी उनको अनाज दिया जा रहा है। उनको 3 महीनों का अनाज लोगों को मिल रहा है, जिससे वो और उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं रहे। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा लोगों को सब्जी और वो सब पहुंचाने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह पूरे भारत भर में जितने कॉर्पोरेशन है वहां से नियुक्ति की गई है गाड़ियां है, जो लोगों के घर तक जाएगी। भारत की जनता को किसी भी चीज, जरूरी चीज वस्तु की आवश्यकता के लिए घर के बाहर जाने की सुविधा जरूरत नहीं है, उनको घर तक सुविधा है। जी, ये जो भी महामारी फैली है इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? ये आप लोगों के लिए सेवा का अवसर है या क्या लग रहा है आपको, इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सेवा का अवसर तो जरूर है, इसी बहाने हम भारत वंश के साथ जुड़ रहे हैं और सहायता सेवा कर रहे हैं, परंतु ये एक बहुत खतरनाक भयंकर बीमारी है। इस महामारी से वैश्विक कई देशों में, विश्व के सभी देश से, जिसकी वजह से बहुत सारी हत्याएं हुई है, जिसको हमारे क्षेत्र में हम कहेंगे कि जानहानि हुई है। नहीं, ये कोरोना के ये बायोमेट्रिक वॉर जो हुआ है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको हमारे हिसाब से लिया जाएगा। तो अगर भारत में इस समय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जो पहले निश्चित कर दिया था, उसकी वजह से हम लोग सुरक्षित है, नहीं तो वैश्विक लेवल पे जितना जी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि भी वन प्रांत के लोग हैं, आप बहुत ही बड़ी जो आपका सेल है उससे जुड़े हुए वन प्रांत के लोग हैं, वो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन प्रांत के लोगों के लिए मेरा ये कहना है
कि आप लोग जहां है वहीं आप सुरक्षित है, आप वहीं रहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सेवक में कहा है कि आप जहां हो वहीं रहो, ताकि आप अभी अगर अपने गांव, अपने जिला, अपने तालुका, अपने घर तक पहुंचना चाहोगे, अगर आप में से कोई लोग संक्रमित होंगे इस कोरोना वायरस से, तो आपका चेप आपके घर परिवार तक जाएगा, आपके बच्चे, आपके परिवार आपकी वजह से असुरक्षित हो जाएंगे। इसके लिए आप जहां है वहीं रहिए, और सरकार सोच रही है आप लोगों के लिए। 20 तारीख के बाद हम कोई प्रायोजन कर रहे हैं कि जो पर क्रांति हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को सुविधा मिल पाए, उनके घर तक सुरक्षित पहुंचे। क्या आप गुजरात के जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर कुछ ऐसा कुछ जारी करना चाहेंगे? हाँ मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 9558017999। आधी रात को भी गुजरात के किसी भी जिला, तालुका, शहर, कहीं पर किसी को कोई सुविधा की जरूरत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप अचूक मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं और मेरा संगठन पूरे गुजरात भर में आप लोगों के लिए खड़े पैर कार्यरत है। आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। नंबर है 9558017999। ये आप नजदीकी मेरे कार्यालय का संपर्क कर सकते हो। हमारा PMJKY गुजरात प्रदेश की वेबसाइट पर पूरा डिटेल दिया है, गुजरात में कितने ऑफिस है, कितने सेंटर है, आप अचूक संपर्क करें। लास्ट आपसे एक सवाल करूंगा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, दो हाथ जोड़ के, कि आप घर में रहे, आप सुरक्षित रहे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मित्रों यही वो समय है जब हम लोग एक होकर हमारे प्रधानमंत्री जी को सरकार दे सकते हैं। हमें कहीं बॉर्डर जाने की लड़ने की आवश्यकता नहीं, हम घर में रहे, सुरक्षित रहे, यही उनका इच्छा। जी मैं भी आपको एक संदेश देना चाहूंगा मित्रों की, जैसे आप जो लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी जैसे कि भारत के अंदर 135 करोड़ की जो जनता है, अभी भारत के सभी लोग एक सिपाही है, एक सैनिक है। हमारे जो सैनिक मित्र जी बॉर्डर पर हमारे देश को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मित्र अभी घर पर है, जो भी भाई बहन माता बंधु, वो घर रहे और घर रहकर एक सैनिक की तरह कोरोना से लड़ने में अपना सहयोग दें, ताकि बहुत ही जल्द कोरोना नामक जो महामारी है हमारे देश से जा सके, मिटाया जा सके। इसीलिए आपका हमारे स्टूडियो पर आने के लिए खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।